अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज बकरा स्पेशल में मटन बिरयानी की रेसिपी बना रही हूँ, तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी डाल दिया, अबाउट 3 कप जो उबल रहा था इसमें मैं मटन डाल दूँगी। और इसको मैं पहले सबसे पहले बॉयल कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ नमक डालूंगी और इसको बॉईल कर लेते हैं। और अब मैं जो 2 कप में बासमती राइस वो भी पहले बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा लैम जो है तकरीबन गलने वाला है, इसको 30 से 40 मिनट्स हो चुके हूँ मैं। तो अभी जब तक ये पानी भी ड्राई हो जाता है तो हम लैम को निकाल लेते हैं। अब इस पैन में मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने 6 कप जो पानी डाल दिया हुआ ऑलरेडी। और इसमें खड़े मसाले में मैं काली मिर्चें, लौंग और बादियन के फूल डाल देती हूँ। और जो ही ये बॉईल होता है तो इसमें मैं ऑलरेडी जो 2 कप भिगो के रखे हुए बासमती राइस 45 मिनट से वो डालती हूँ। अब यहाँ पानी अच्छा ऊपर, इसमें मैंने जो 2 कप बासमती राइस 45 मिनट से सोख करके रखे हुए वो डाल दिए। तो अभी हम इसको एक रहने पर इसको जो पानी एक्सेस वो ड्रेन आउट कर लेंगे। यहाँ पे इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के नहीं लिए, तो इसको गोल्डन होने से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्याज अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। अभी इसी स्टेज पर मैं 4 से 5 मिनट गार्लिक की उनको मैं चॉप कर लिया हुआ वो डाल देती हूँ। जिंजर वो भी मैंने चॉप कर डाल देती हूँ। और इनको 1 से 2 मिनट तक किसी तरह से मसाला से कोटे कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो लैम बॉइल किया है वो इसमें डाल देती हूँ और इसको कोटे कर लेती हूँ। ये देखें 2 से 3 मिनट तक मैंने सोते किया है, लैम ऑलरेडी हमारा टेंडर हो चुका होगा। अभी इसमें डाल देंगे हम 2 टमाटर सोते हैं वो डाल देते हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते हैं। टमाटर अच्छे गल चुके हैं, डाल देती हूँ आधा कप जो योगर्ट और इसको हम कुक कर लेते हैं। जब तक ये इसके बाद बिरयानी मसाला डाल रही, लजीजा बिरयानी मसाला 1 पैकेट। अब इसको हम 3 से 4 मिनट इसके बाद अच्छी तरह से भून लेते, तब तक जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल लैदा हो जाता है। देखें इसका जो ऑयल है बिल्कुल लैदा हो रहा है। तो इसको हरी मिर्च मैंने 1 ही ली है और 1 लेमन ली है, इसके स्लाइसिस करके इसमें डाल देती हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम 1 से 2 मिनट के बाद ताकि उनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो उसके बाद हम इसके लेयर्स लगाना शुरू करते हैं। लेयर्स पे बिल्कुल हमने वही बिरयानी में ताजा रहने दी है और इसके ऊपर हम 1 लेयर जो है वो राइस की ऐड कर देते हैं। फिर हम जो नेक्स्ट लेयर है वो बिरयानी में गोश्त वाले लगाएंगे और सेकंड जो है वो फिर राइस वाले लगाएंगे। तो अभी फिर मैं इसके ऊपर गोश्त के लिए लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेयर जो है वो राइस की लगाती हूँ। अब इसकी जो नेक्स्ट लेयर है टॉप लेयर, इस पर फिर हम राइस डाल देते हैं और इसके बाद हम इस पर फूड कलर यानी कि मैं ऑरेंज कलर ज़रदा वाला डालूँगी। तो ये सारी लेयर मुकम्मल हो गई है। अभी हम ऑरेंज फूड कलर यानी कि ज़रदा कलर इसकी टॉप लेयर एक दफ़ा लगा देते हैं और इसको दम पे रख देते हैं 5 से 7 मिनट तक लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बिरयानी को, हम 5 से 7 मिनट में इसको लो फ्लेम पे दम दिया था तो हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखिए मैंने मटर बिरयानी को सर्व कर लिया हुआ है, इसको मैंने ग्रीन चिली के साथ गार्निश किया, बहुत ही मज़े की लग रही है। इसको मैंने रायते सैलड के साथ सर्व किया है, आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने मटर बिरयानी को सर्व कर लिया, बहुत ही सिंपल और प्लेन रेसिपी है, आप प्लीज़ इसी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।